तो जी वॉश करने के बाद ये देख लें रिजल्ट आप लोगों के सामने, आप देख सकती हैं। तो जी जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं और अक्सर लोगों के जो हैंड एंड फिट है ना बहुत ज़्यादा डल नज़र आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाते हैं कि हम इसको किस तरह से अवॉइड करें, और बार बार फिर कभी कुछ यूज़ करते हैं कि इससे फ़ायदा हो जाए और उनको फ़ायदा नहीं हो रहा। तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी बेस्ट होम रेमेडी जिसको आप यूज़ करके अपने हैंड एंड फिट को जस्ट 10 मिनट में वाइट कर सकते हैं विदाउट साइड इफेक्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी एक ही कमेंट आपका बार बार आ रहा था कि आपकी हैंड फिट के लिए कुछ बता दें, हैंड फिट पे ड्राइनेस आ गई है और हम चाहते हैं हमारे हैंड फिट सॉफ्ट एंड वाइट हो जाए। तो आज आपकी रिक्वेस्ट होने जा रही है कम्प्लीट, क्योंकि मैं आज ले आई हूँ आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रेमेडी जो कि आपको जस्ट 10 मिनट में वाइट करेगी। हाँ, तो रेमेडी के साथ साथ ही मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बेस्ट क्रीम, विंटर बेस्ट क्रीम, जो कि आप अपने हैंड एंड फिट पे, अपनी नेक पे, अपनी फुल बॉडी पे यूज़ करके आप उसको बना सकते हैं खूबसूरत वाइट एंड बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट। तो जी अगर आपकी एज कोई सी भी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊँगी जिसका साइड इफेक्ट नहीं है। और जी आज की इस वीडियो में लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी, तो आपने रिजल्ट देख के जाना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो गाइस चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जी अगर आप लोगों को रेमेडी अच्छी लगी, रिजल्ट अच्छा लगा है, तो फिर वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए अब रेमेडी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए होगा उपटन, ठीक है? कोई सा भी उपटन आप ले सकते हैं, लेकिन पाउडर फॉर्म में आपने लेना है। तो ये आपको कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाएगा बहुत आसानी से, बहुत कम पैसों में। तो एक चम्मच भर के आपने उपटन लेना है। जब जब आपने रेमेडी यूज़ करनी है, ये रेमेडी आपको तब ही बनानी है, आप पहले इसको बना के नहीं रख सकते। उसके बाद ये आपको लेनी होगी तिब्बत क्रीम, ठीक है? तिब्बत क्रीम आप यूज़ करेंगे, अगर आपके पास तिब्बत नहीं है तो आप फेयर एंड लवली क्रीम यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको जो सूट करती है वो ले सकते हैं। तो ये वैसे बहुत ज़बरदस्त क्रीम है। तो ये हम लेंगे तकरीबन हाफ चम्मच, तो इसका फौरी तौर पर रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे लूँगी एलोवेरा जेल, ठीक है? एलोवेरा जेल भी आपने एक चम्मच ही लेनी है, अंदाजे से आपने एक चम्मच जो है वो एलोवेरा जेल इसमें ऐड करनी है। उसके बाद जी एक चम्मच जो है वो आपने इसमें रोज़ वाटर ऐड कर लें, या फिर सिंपल वाटर आप ऐड कर सकते हैं। तो लास्ट चीज़ जो है वो हमें लेना है गोल्डन पर्ल सीरम, ठीक है? मैं यहाँ पे गोल्डन पर्ल ले रही हूँ, आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपको सूट करता हो, या फिर आपके घर में जो यूज़ हो रहा हो। तो इससे अर्जेंट वाइटनिंग आएगी, अर्जेंट वाइटनिंग हो, 2 से 3 ड्रॉप्स इसमें जाएंगे, क्योंकि हम वन टाइम के लिए फेस पैक बना रहे हैं। उसके बाद हमें चाहिए होगा इवियन कैप्सूल, ठीक है? इवियन कैप्सूल जो है ये आपको मेडिकल स्टोर से ईजिली मिल जाएगा, ये रेड कलर में होगा इस तरीके से। तो आपने इसका लिक्विड जो है वो ऐड करना है, तो फिर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो मिक्स करने के बाद ये देखिए कितना ज़बरदस्त फेस पैक जो है वो रेडी हो चुका है। तो आप इसको फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, हैंड एंड फिट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसको हैंड पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो आज मैं यहाँ पे हैंड से ही इसको अप्लाई कर रही हूँ। तो इस तरह से अप्लाई करके आप 10 मिनट तक छोड़ देंगे। तो चलिए फिर मैं 10 मिनट के बाद वापस आती हूँ, आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। तो जी जब से मैंने इसको अप्लाई किया 10 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए फिर अब मैं इसको वॉश करके आप लोगों के पास वापस आती हूँ। तो जी वॉश करने के बाद ये देख लें रिजल्ट आप लोगों के सामने, आप देख सकती हैं। मुझे खुद लग रहा है कि मेरा हैंड जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है और वाइट भी हो चुका है। मैं इतना तो नहीं कह सकती कि बहुत ज़्यादा वाइट हो गया, लेकिन कुछ बेहतर हो चुका है पहले से, क्योंकि मेरे हैंड फिट काफ़ी ज़्यादा डल पड़ गए थे, आप देख सकती हैं। और मुझे रिज़ल्ट कुछ नज़र आ रहा है। अगर आप लोगों को भी रिज़ल्ट अच्छा लगा है तो फिर एक कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा रिज़ल्ट। तो जी क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए होगा लोशन, कोई सा भी लोशन आप ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो या आपके घर में यूज़ हो रहा हो। तो आपने 1 से 2 चम्मच जो है ना वो लोशन इसमें ऐड करना है। सर्दी की वजह से ये काफ़ी थिक है तो निकल नहीं रहा। तो ये आप लोशन लेंगे। उसके बाद सेकंड चीज़ जो है वो लेंगे वैसलीन, ठीक है? एक चम्मच आपने इसमें वैसलीन ऐड करनी है। उसके बाद ये आपको चाहिए होगी तिब्बत क्रीम, ठीक है? ये सदियों पुरानी है और अच्छी भी, आप जानते हैं
पहले फेस के लिए यूज़ हो रही थी, अब इसको हम हैंड फिट के लिए यूज़ करेंगे। तो ये भी हम एक चम्मच ही इसमें लेंगे। और उसके बाद जी हमें चाहिए होगा हाइड्रोजन परोक्साइड, ये भी हमें एक चम्मच ही लेना, यानी कि सारी चीज़ों की मकदार जो है वो सेम ही होगी। तो ये आपको कॉस्मेटिक शॉप से इजीली मिल जाएगा, प्राइस भी इसकी कुछ ज़्यादा नहीं है, 25 या 30 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद आपको चाहिए इवियन कैप्सूल, ठीक है। इवियन कैप्सूल जो है ये आपको मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएंगे। तो एक जो कैप्सूल है वो हमने इसमें इसका लिक्विड ऐड करना है। तो जी ये होगी हमारी क्रीम, तो इसको अब हम करेंगे रेडी। तो जी अब हम इसको मिक्स करते हैं। तो मिक्स करेंगे, जो वैसलीन है वो ज़रा थोड़ा मुश्किल से होगी, लेकिन आप इसको स्लो स्लो करेंगे। तो जी ये देखिए क्रीम अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। तो जैसे ही मिक्स हो जाए तो आप इसको स्टोर कर लें। तो आप इसको 1 मंथ के लिए स्टोर कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए भी कर सकते हैं, ना तो ये आपकी ख़राब होगी ना साइड इफेक्ट है। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो यूज़ करना है आपने सबसे पहले अपने हैंड फिट को आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना। अगर आप ये रेमेडी फॉलो कर रहे हैं तो तब भी, इसके बाद अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो फ़ौरन से आप ये क्रीम इस तरीके से लगा लेंगे। लगा के आप ओवरनाइट के लिए छोड़ दें, डे में भी आप यूज़ करें। जैसे कि हैंड फिट पर ड्राइनेस आ चुकी है, हैंड फिट बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं, जैसे बहुत अजीब से लगते हैं, जूड़ियाँ पड़ना स्टार्ट हो गई हैं, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जूड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी, ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी, हैंड फिट पे एक ग्लोस आ जाएगा। ये देखिए अभी मैंने इसको अप्लाई किया और देख सकते हैं कैसे हैंड चमकना स्टार्ट हो गया, दोनों हैंड आपके सामने हैं। तो इसी तरह से आपके भी हैंड फिट बहुत ज़्यादा ही वाइट हो जाएंगे। तो आपने इसको डेली बेसिस पे यूज़ करना है। आई होप कि आपने रेमेडी बनाने का तरीका, यूज़ करने का तरीका सब कुछ अच्छी तरह से नोट डाउन कर लिया होगा। तो कितना ज़बरदस्त रेमेडी का रिजल्ट है, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर तो पसंद आया तो फिर लाइक कर दे ताकि मुझे पता चले कि वाकई ही आपको रेमेडी का रिजल्ट पसंद आया है। सो गाइस ये थी मेरी आज की छोटी सी अमेजिंग वीडियो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो फिर जी लाइक कर दें और जी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अगर आप लोगों का कोई कमेंट है इस बारे में तो फिर आप मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।